Good evening, students. My name is Surya Kumar. I teach in class 4. And आज हम लोग class 4 chapter 4 the story of Amrita का explanation करेंगे. और chapter 1 going to school, chapter 2 year to year, chapter 3 David Nandu का हम लोग ने explanation और question answer का video बना चुका था. तो अभी के लिए हम लोग chapter 4 the story of Amrita का explanation करेंगे. और साथ ही साथ grammar का चैप्टर आर्टिकल हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुके हैं. अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. और आप मेरे चैनल पर टच करके और भी वीडियो दे सकते हैं और मेरे प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं कि मैंने वीडियो डाल दिया है. ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं. द स्टोरी ऑफ अमृता का मतलब है अमृता का कहानी. चलिए पढ़ते हैं. This is a true story from long, long ago. ये सच्ची कहानी है, लेकिन ये बहुत पुरानी है. Almost 300 years ago. ये सच्ची कहानी बहुत पुरानी है, लगभग 300 साल पुरानी. In a village called खिजाड़ी, खिजल्ली. ये इस गांव का नाम था खिजड़ी. Lived अमृता. इसमें इस गांव में अमृता रहती थी. खिजाड़ी विलेज इज नियर जोधपुर इन राजस्थान. खिजाड़ी विलेज था जो राजस्थान स्टेट के अंदर जोधपुर सिटी के अंदर पास में था. जोधपुर के पास में ये खिजाड़ी विलेज था. द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ मैनी खिजाड़ी ट्रीज एज ग्रे देयर. उस गांव का नाम खिजाड़ी इसलिए रखा गया था क्योंकि उस गांव में खिजाड़ी जैसा पेड़ बहुत ज़्यादा उगता था. इसलिए इस कहानी में खिजाड़ी गांव नाम रखा गया है. चलिए आगे पढ़ते हैं. द पीपल ऑफ दिस विलेज टू ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट्स. जो वहाँ गांव के लोग हैं वो प्लांट्स, ट्री और एनिमल्स के बहुत केयर करते, बहुत ज़्यादा देखभाल करते. जैसे गोट्स, डियर, शेयर्स और पिकॉक्स, रोम्ड लेसी डियर और जो बकरी, हिरन, पिकॉक, मोर, ये सब आराम से बिना डरे यहाँ वहाँ घूमते हैं. द पीपल ऑफ द विलेज रिमेम्बर्ड व्हाट देयर एल्डर्ड यूज्ड टू टेल हिम. ये जो गांव के लोगों को याद था कि हमारे एल्डर्स ने, हमारे बुजुर्ग ने, हमारे बूढ़ों ने क्या बताया है या क्या याद रखने के लिए बताया है. दे यूज टू से अगर पेड़ है तो हम हैं. वो सब ये बात ध्यान में रखते कि ये बात हमें ध्यान में रखना चाहिए, ये बात हमें रिमेम्बर होना चाहिए कि अगर पेड़ है तो हम हैं. ये बात उन्हें याद था. प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम. प्लांट्स और एनिमल, पेड़ और एनिमल्स हैं वो बिन किसी के भी जी सकते हैं, लेकिन जो आदमी हम लोग हैं, हम लोग की ये प्लांट्स और एनिमल्स के बजाय नहीं जी पाएंगे. चलिए आगे पढ़ते हैं. तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया की जो मैप है उसमें राजस्थान लोकेट करा के आपको बताता हूँ कि राजस्थान इस मैप के, इंडिया के मैप में कहाँ है. तो बताता हूँ. और ये है हमारा इंडिया मैप. तो इसमें जोधपुर कहाँ है मैं आपको कलर करके दिखा देता हूँ. ये जोधपुर यहाँ है, आप यहाँ देख सकते हैं. मैं आपको अच्छे से थोड़ा सा और अच्छे से कलर करके दिखा देता हूँ कि कोई और स्टेट आपको ना दिखे. ये है हमारा जोधपुर और इसमें जो ये सॉरी राजस्थान स्टेट है और इसमें डिस्ट्रिक्ट जोधपुर यहाँ है. यहाँ जोधपुर है और इसका कैपिटल जयपुर यहाँ है. ठीक है, तो जोधपुर यहाँ है और यही खिजाड़ी विलेज है. तो मैं आपको इंडिया का मैप दिखा दिया जिसमें राजस्थान स्टेट यहाँ है और जोधपुर यहाँ है. ठीक है, तो चलिए मैं आगे बताता हूँ क्या है कहानी. तो आगे का कहानी चलते हैं हम लोग आगे. अमृताज फ्रेंड्स, अमृता के दोस्त. अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स द ट्रीज. अमृता जल्दी उठती है और हर मॉर्निंग, हर दिन अपने फ्रेंड्स के साथ मिलने जाती है. कौन है उनके फ्रेंड्स? द ट्री, पेड़. शी वुड चूज अ स्पेशल ट्री फॉर द डे. वो हर दिन किसी स्पेशल ट्री को चूज करती है. शी वुड पुट हर आर्म्स द ट्री ट्रंक एंड विस्पर टू द ट्री.
और वो उसे गले लगाती है, उस पेड़ को उसे अपने आर्म से गले लगाती है और उसके साथ बातें करती है। चलिए क्या बातें की है इस बार अमृता देखते हैं। फ्रेंड्स यू आर स्ट्रांग एंड ब्यूटीफुल। दोस्त तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, मजबूत हो और बहुत सुंदर भी हो। यू केयर फॉर हज, तुम हमारी मदद करते हो। थैंक यू ट्री, धन्यवाद पेड़। आई लव यू वेरी मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पेड़। यू स्टैंड टू मी ऑल्सो, तुम हमें मजबूती ऐसे ही देते रहना। लाइक अमृता द अदर चिल्ड्रेन ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्रीज, दे वुड प्ले फॉर हावर्स इन द शेड ऑफ ट्री। ऐसे ही अमृता के बहुत जैसे लड़के थे जो स्पेशल ट्री को चुन करके घंटों उनके पेड़ के छायों के साथ बैठते थे। इज देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलोंग द रोड साइड विच ट्री हैव बीन प्लांटेड। तो ये क्वेश्चन है, आप अपने घर के पास, स्कूल के पास या तो अकेले कहीं साइड में जाके बैठिए और देखिए कि उस वहाँ कैसी तरह के प्लांट्स उगते हैं और पेड़ उगते हैं। तो वाई वेयर दे प्लांटेड देयर, कैसे वहाँ प्लांट क्यों उगते हैं और कैसे उगते, तो आपके यहाँ लिख रहे हैं। तो मैं आपको ये सब क्वेश्चन आंसर की वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग अभी के लिए एक्सप्रेशन ही करते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं आगे। ट्रीज इन डेंजर, पेड़ डेंजर्स हो गए। टाइम वेंट बाय, अमृता वाज नाउ ग्रोन अप। टाइम बीतते गया, अमृता अब बड़ी हो गई। वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज, एक दिन जब वो अपने पेड़ों के साथ मिलने गई, शी सॉ देयर वाज वेयर सम स्ट्रैंगर्स इन हर विलेज, उनके गांव में कुछ बड़े बड़े थोड़ा सा मजबूत लोग, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली लोग आए हैं उनके गांव में। दे हैड एक्सेस विथ देम, उनके हाथ में एक कुल्हारी है जो वो ले करके आए हैं। दे सेड दैट द किंग एंड सेंट द देम टू कट ट्री फॉर वुड, राजा ने संदेह बोला है कि उन्हें पेड़ों के लकड़ी चाहिए, इसीलिए हम लोग पेड़ों को काट रहे हैं। द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग प्लेस, राजा के जहाँ एक बड़ा सा बिल्डिंग बनेगा इसलिए हमें लकड़ी चाहिए। अमृता वॉज शॉक्ड, अमृता शॉक्ड हो गई, मतलब हचकचा गई, आश्चर्य हो गई कि ऐसा हो रहा है पेड़ों के साथ। सी वेंट टू द ट्री डैट द मेन वेयर अबाउट टू कट, वहाँ बड़े बड़े आदमी आकर के पेड़ों को कट करने जा ही रहे थे। शी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री एंड हग्ड इट टाइटली, और लेकिन फिर जो अमृता है वो पेड़ को कस करके पकड़ ली। द मेन शाउटेड एंड थ्रेटेड इन, बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री, एक आदमी ने तो कस करके बोला भी कि हट जाओ अमृता, लेकिन अमृता नहीं हटी। द किंग्स मेन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर, किंग जो राजा था, राजा के आदमी आए थे, उन्हें तो राजा का वो ऑर्डर संभालना था, ऑर्डर को फॉलो करना था, तो वो उसके आज्ञा को कैसे उल्लंघन कर सकते थे। तो दे हैड टू कट द ट्री, उसने पेड़ों को कट कर ही लिए। ऑन सीइंग दिस अमृता डॉक्टर एंड हंड्रेड ऑफ विलेज ओल्ड एंड यंग यू गेट द ट्री टू प्रोटेक्ट दे, मैनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर्स डाइड टू सेव द ट्री। देखते ही देखते अमृता की बेटियां और उस और भी सैकड़ों सैकड़ों किसान वासियों पेड़ को बचाने में लग गए, और वो सब जो अमृता अमृता थी और उसकी बेटियां थी और भी कोई लोग, बहुत लोग पेड़ों को बचाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, वो सब मर गए। When the king heard of this, he could not believe that people gave up their life for trees. राजा ये सुन करके बिलीव नहीं कर रहा था कि एक पेड़ की बचावट करने के लिए आदमियों ने अपनी जान दे दी। देयर ही लर्न अबाउट विलेजर रिस्पेक्ट फॉर ट्री एंड एनिमल्स, ये जो ये किसान वासियों थे ये बहुत बुद्धिमान थे। ये राजा का सोचना था, कहना था कि कितने बुद्धिमान थे, बहुत सोच विचार थे और पेड़ों को और जानवरों को कैसे रिस्पेक्ट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डू यू रिमेम्बर व्हाट द एल्डर ऑफ दिस विलेज यूज टू से, आपने आपको क्या भी याद है कि बूढ़े बुजुर्गों ने क्या कहा था? तो मुझे याद है, वो है अगर पेड़ है तो हम हैं, ठीक है।
और आगे लिखा है, डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ देयर वेयर नो ट्री एंड नो एनिमल्स, डिस्कस दिस। तो आपको क्लास में डिस्कस करना है कि अगर हम लोग, अगर पेड़ ना रहे, अगर जानवर ना रहे तो हम लोग जी पाएंगे। तो आप अपने क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन आंसर के वीडियो में सारे क्वेश्चन का उत्तर दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते। द विलेज इज प्रोटेक्टेड, द विलेज विलेजर्स स्ट्रांग फीलिंग फॉर द ट्री अफेक्टेड द किंग ग्रेटली। जो विलेजर्स थे, गांव वाले थे, वो स्ट्रांग फीलिंग्स के थे, मजबूत दिल वालों के थे। किंग को ये देख करके बहुत महानता हुई। ही ऑर्डरेड दैट फ्रॉम देन ऑन नो ट्री विल बी कट एंड नो एनिमल विल बी हार्म इन दैट एरिया। इस एरिया में राजा ने आज्ञा दिया कि यहाँ इस एरिया में पेड़ या तो एनिमल्स को कोई हार्म नहीं होगा, कोई हानि नहीं होगी। एवन टुडे ऑलमोस्ट 300 इयर्स लेटर द पीपल ऑफ दिस एरिया कॉल्ड बिशन्स कंटिन्यू टू प्रोटेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। एवन थाउट इन द मिडिल ऑफ द डिजर्ट दे दिस इज एरिया इज ग्रीन एंड एनिमल्स रूम फ्रीली विथआउट फियर। क्या लिखा है पढ़ते हैं। आज भी वो 3 साल बाद भी आज भी बिशॉन्स बाइसनुस नाम का ये गांव, अभी भी इस एरिया का नाम बाइसनुस हो गया है, पहले खेजाड़ी था अभी बिश्नोइस हो गया है। इसमें भी अभी भी प्लांट्स और एनिमल्स को केयर किया जाता है और यहाँ बहुत ज़्यादा बालू रहता है अब तो, इसीलिए इसमें, लेकिन वो डेजर्ट के बीच में ही था इसीलिए वहाँ पानी लाना मुश्किल था तभी भी, लेकिन वहाँ वो चलता ही था, प्रोटेक्ट करना चलता ही था प्लांट्स एंड एनिमल्स का। और वो जो प्लांट्स एंड एनिमल्स थे वो आराम से फ्रीली बिन किसी डर के यहाँ वहाँ घूमते थे। डू यू रिमेम्बर डैट इन क्लास 3 यू हैड मेड अ ट्री योर फ्रेंड, हाउ इज योर फ्रेंड नाउ। आपको याद होगा कि क्लास 3 में आपको ट्री बनाने के लिए, आपको याद होगा ना कि क्लास 3 में आपको आपके फ्रेंड्स को बताया गया था कि एक पेड़ बनाना है। तो अभी वो फ्रेंड्स अभी कैसा है तो बताना है आपको। मैं क्वेश्चन आंसर के वीडियो में बता दूंगा कि क्लास 3 में मैं भी था तो मेरा भी, मुझे भी बताया गया था कि अपने फ्रेंड्स को ट्री बनाने के लिए बोलिए। तो अभी मैं आपको बता दूंगा, अभी तो नहीं बता सकता, क्वेश्चन आंसर वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो ये है कुछ ट्री के बारे में आपको बताना है, क्वेश्चन आंसर बताना है। बाकी अभी तो लग ठीक ही हो ही गया। चलिए ये कुछ 5 लाइन्स पढ़ते। द खिजारी ट्री इज फाउंडली मेनली इन डेजर्ट एरिया। ये जो खिजारी पेड़ है ना स्टूडेंट्स, ये ज़्यादातर डेजर्ट एरिया में ही पाया जाता है। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। ये जो खिजारी पेड़ है इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं रहती, ये अपने आप जन्म लेते रहता है। इसमें ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं रहती, अपने आप उगते रहता है, उगते जाता है। इट्स बार्क इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन। इसका कुछ पार्ट भी मेडिसिन में यूज किया जाता है। पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट बीन्स। और इसी का लोग फ्रूट बना के खाते हैं जिसका नाम है बीन्स। इट्स वुड वुड इज यूज डैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाई इंसेक्ट्स। ये जो लकड़ी है इस पर इंसेक्ट उतना अफेक्ट नहीं करते, कुछ हानि नहीं पहुंचाते। एनिमल्स इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ द खिजारी। यहाँ के जो एनिमल्स हैं वो खिजारी का अभी भी पत्ते खा करके अच्छे से भी रह रहे हैं। एंड चिल्ड्रेन लाइक यू प्ले इन दिस इट शेड्स। और अभी भी बच्चे इसके शेड्स में खेलते हैं जैसे पहले खिजारी में होता था। तो अभी के लिए इतना ही है। आपको क्वेश्चन आंसर का वीडियो कल तक या परसों तक तो मिल जाएगा ज़रूर ही। बाकी इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो मिल ही जाएगा आपके लिए। और ग्रामर का पार्ट 3 परसों तक आपको अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो मेरे चैनल के जो 1 सब्सक्राइबर घटा था वो अभी तक ज्वाइन नहीं किया, अभी तक फॉलो नहीं किया, तो क्या हो गया? आप मुझे सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे? मैं आपको पिछली बार भी बोला था कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं टारगेट रखता हूँ यूट्यूब पर कि आप विश्वास दिला करके मुझे 1K सब्सक्राइबर तक पहुँचाएंगे। तो 1K सब्सक्राइबर अगर हो जाएगा तो मैं एक Q&A वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं अपना शक्ल दिखाऊंगा, ठीक है, तो लाइव दिखाऊंगा। अभी के लिए अलविदा लेता हूँ। आप 1K सब्सक्राइबर का टारगेट रखिए और 1K व्यूज का, ठीक है। तो चलते हैं अगले अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए।
इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, बच्चों को शेयर कीजिएगा क्लास फोर ट्यूटोरियल्स को, और इस वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस पे आपको जैसा राय देना हो आप कमेंट में बता करके दे सकते हैं। तब तक के लिए बाय।